सो आएगा इस तो ये कोई गेम प्ले और ना ही ये कोई पब्जी के रिलेटेड रे वीडियो होने वाला है तो कैरे मीनाटी का एक वीडियो था यूट्यूब वर्सीज टिक टॉक तो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पर आ चुका था मोस्ट लाइक like वीडियो में और एक दिन और रहता था, था तो फर्स्ट नंबर पर भी आ जाता था और कैरेमीनाटी कल एक वीडियो अपलोड किए और उन्होंने कुछ बातें शेयर की ऑडियंस से और कुछ मैसेज भी दिया और उनको भी नहीं पता है कि कौन से रीज़न से उनका वीडियो डिलीट किया गया है यूट्यूब वालों से भी कुछ आंसर नहीं आया है तो इस वीडियो को आप देखिए और गाइस तो हम तो बहुत ही बड़े फैन है कैरी मीनाठी के और जितना हो सके गाइस उतना उनकी वीडियो को शेयर कर दो उनकी वीडियो को लाइक कर दो और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ और भाई शेयर करना मत भूलना उनकी न्यू वीडियो को तो प्लीज़ शेयर कर देना कैरी मीनाठी की न्यू वीडियो को तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते अभी तक मैं काफ़ी सैड था कि वीडियो हट चुकी है और मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से यह वीडियो टेकडाउन हुई है बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स का खुद से ही एक मतलब निकाल रहे हैं मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे मेरे एक एक एक-एक वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है देखो देखोगाइस जब भी हम कुछ कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो उसे हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए देखो ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस स्टेटमेंट या डायलॉग को आधा पढ़ोगे या फिर उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे तो उसके तो सौ मतलब निकल सकते हैं मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है मैं उनमें से तुम्हें एक एग्जाम्पल uh, देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दीकी ब्रांड्स वाला पॉइंट कहता है कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के पास यूट्यूबर्स से ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं तो मैंने उसके रिएक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रांड डील्स होती है तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रिएटर्स के को लेकर होती है तो उनकी एक इंडिविजुअल क्रिएटर की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती और उसी ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा जाऊँगा दो सौ में बिक जाएगा इस डायलॉग का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था जो मैंने दो सौ से रिप्रेजेंट की थी अब मैं मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके ग़लत रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखो गाइस अगर तुम हिंदी में लिखे ह्यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही अगर मैं अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ स्लैंग्स को तो उसका एक अलग ही मतलब है और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो वो दोनों केसेस में है। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ अपनी अजमशंस को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो और अभी तो मुझे मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो डाउन हुआ है तो अपनी तरफ से अजम्शन्स मत लगाओ और प्लीज़ पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो प्लीज़